बहुत स्वागत है जी सारिया का। मैं हाँ सुरेंद्र डल्ला एक बार फिर हाजिर हाँ। अज बहुत खास गलबात करांगे जसमीत भाटिया जी नाल, जिहड़े कि लैंडमार्क इमीग्रेशन के चीफ ने। लगातार अजकल वन टू वन विद्यार्थियों मिल रहे हैं। कल भी जसमीत जी 12 बजे तो लैके 3 बजे तक अपने दफ्तर के मोहाली विद्यार्थियों के नाल उन्होंने मुलाकात की और दूर दूर तो विद्यार्थी उन्होंने मिलने के लिए पहुँचे। और अज फिर 12 बजे तो लैके 3 बजे तक जसमीत जी अपने दफ्तर च विद्यार्थियों मिलेंगे। और जिहड़े विद्यार्थी लेट हो जाएंगे वो टैलीफोन से अपॉइंटमेंट बना सकते हैं अगले दिन के लिए। जसमीत जी सब तो पहला तुहाडा स्वागत है जी, बहुत बहुत सत श्री अकाल सर। जसमीत जी पिछले कुछ दिनों तो देखे है कि कुछ रिफ्यूजल भी आ रहे थे, नवे विद्यार्थी भी ने जिन्होंने आयल्स अपने स्कोर कर ले, काफ़ी कन्फ्यूजन है विद्यार्थियों अपलाई करन दे लई जनवरी इनटेक, मई इनटेक, सपटेंबर इनटेक। और तुहाडा जिहड़ा ये सिलसिला शुरू किया कि तुसीं परसनली वन टू वन विद्यार्थियों मिल रहे हो, कल किन्ने क विद्यार्थियों मिले और किन्ना क तुसीं अगर मेरे नाल शेयर करो विद्यार्थियों के लिए किन्ना क बेनीफिट होंदा है जदों परसनली तुहानू आके विद्यार्थी मिलते हैं, क्योंकि कल भी बहुत विद्यार्थी तुहानू मिले। बिल्कुल, जिहड़े भी स्टूडेंट्स मैनू कल मिले, 4 तो 5 स्टूडेंट मैं मिल पाया इस टाइम के दौरान। सो उन्हां स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे डाउट से। पहली गल तो कुछ स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस वधिया सी, बट जिहड़ा कोर्स अपलाई किया सी ओह रिलेटेड टू देयर स्टडीज़ नहीं हैगा सी, ना ही ओह रिलेटेड टू देयर एक्सपीरियंस हैगा सी। सो पहला 2-3 वारी रिफ्यूजल आ चुकी सी उस स्टूडेंट की। सो उदा उन्हूं इदां दा कोर्स गाइड किया गया कि जिदा जिदे विच उन्हां दा वीज़ा आ सकदा। एक होर ऑप्शन है, एक स्टूडेंट जिवें कैनेडा कॉलेज अपलाइड सी और उत्थों उन्हें विड्रॉ कर लिया साल बाद, 1.5 साल बाद, और उस तो बावजूद फिर वो कंसल्टेंट जिहड़े कि मन्ने परमन्ने कंसल्टेंट सी उन्होंने उहदा केस फिर दोबारा किसी प्राइवेट कॉलेज अपलाई करता और 4 महीने तो वो अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। और उन्होंने एक दिन पहला पता लग गया कि वह भी प्राइवेट कॉलेज है और दस्या ही नहीं गया कि वह प्राइवेट कॉलेज है। सो मेरी स्टूडेंट्स को बड़ी रिक्वेस्ट हैगी है कि जो भी किसी कंसल्टेंट को जाते हो अखा बंद करके की कहने बिल्कुल विश्वास ना करो, भावें किसी रेफरेंस पर गए हो, चाहे किसी के नाल गए हो, चाहे तुहाडे दोस्त ने रेफर किया, एक बार गूगल पर डिटेल जरूर सर्च करो, गूगल पर सर्च करो सारी इनफॉर्मेशन बारे कि तुहानू इस कोर्स इस कॉलेज इस कंसल्टेंट तो वीज़ा अपना अपलाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए। सो होर जिहड़ा मैंने एक स्टूडेंट मिले वह भी 3 वारी रिफ्यूज सी, 2 वारी CDI कॉलेज तो, 1 वारी फिर वो CJEP कॉलेज तो उन्होंने अपलाई करता। सो उस तो बाद जो 1.5 साल वो पढ़ाई करते रहे और 1.5 साल पढ़ाई करने तो बाद उन्होंने रिफ्यूजल ही हाथ आई। सो क्यूबैक नूं लैके बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं नुकसान होया, तो मैं सारे ही स्टूडेंट्स नूं एडवाइस करांगा कि आ जिहड़ी गलती हैगी है ये फ्यूचर विच ना करन। और हल्ले भी जिहड़ा प्राइवेट कॉलेज अपलाई करन दा सिलसिला है उन्हां सारिया स्टूडेंट्स नूं थोड़ा जिहा रोक देना चाहिए और एजुकेशन की लोड़ हैगी है। और स्टूडेंट्स अखां बंद करके किसी ते भी भरोसा करके अपना केस ना लाण। सो ये सारिया चीज़ां मैं डेली नहीं मिल पाँदा, मेरे शड्यूल बहुत बिजी हुंदा, पर अज मैं 3 घंटे कढ़े, पर मेरा बैकएंड का जिहड़ा कम हैगा वह सारा ही पेंडिंग चल गया अज भी। सो स्टूडेंट्स मैं कहना चाहवागा कि जे तुसी मैनूं अज भी मिलना चाहते हो और कल भी मिलना चाहते हो तो 12 तो 3 दे दौरान मैं स्टूडेंट्स नूं मिल रहा, तो तुसी मैनूं मिल के अपने केस की असैसमेंट कर सकते हो। सो ओनली परपज ऑफ मैं मीटिंग रखने का यही हैगा कि स्टूडेंट नूं एक सही तरीके गाइड किया जाए। सी एज अ कंसल्टेंट साढ़े को बहुत रश रहा, ईवन की कहें साढ़े को कहें स्टूडेंट्स नू प्रोसैस करन दा भी कई बार टाइम नहीं हुंदा, बट जिहड़ी मेरी कोशिश हैगी है कि स्टूडेंट नू असी सही एडवाइस दे पाइए, दैट इज़ द ओनली मोटिव। एंड असी तुहानू उही गाइड करांगे कि तुहाडा जिहदे च फायदा होएगा, ना कि साडा फायदा होएगा, बिकॉज अल्टीमेटली साडा फायदा उदों हो जाना जे तुसी तुहानू सही एडवाइस दिंदे आ और तुसीं किसी नूं जाके कहिंदे हो कि लैंडमार्क इमीग्रेशन सही एडवाइस दिंदे हो, साडा उहदे विच ही बहुत वड्डा फायदा। बिल्कुल ठीक है जी। सो अज भी 12 तो 3 स्टूडेंट्स जसमीत जी नूं मिल सकते हैं। सो जो परसनली जसमीत जी नूं स्टूडेंट्स मिलते हैं तो कई तरह के उन्होंने मन च वहम ने जिहड़े वो दूर होंदे ने। और हुण बड़ा जरूरी है कि विद्यार्थी एक एक पॉइंट के उत्ते पूरी कलैरिटी लैन। और अज भी 12 तो 3 जसमीत जी के नाल मुलाकात हो सकती है और कल भी 12 तो 3 जसमीत जी के नाल मुलाकात हो सकती है। जसमीत जी जदों स्टूडेंट तुहाडे कोले आउण जां उन्हां दे पेरेंट्स नाल आउण, किहड़े किहड़े डॉक्यूमेंट्स लैके आने जरूरी है और जिन्हां दे रिफ्यूजल ने उन्हां दे लई की नाल लैके आना जरूरी है? सो जे तुहाडा फ्रैश केस है तो तुसीं 10वीं 12वीं पासपोर्ट आइलेट्स जरूर अपने नाल लैके आओ। जे ग्रैजुएट हो तो अपने ग्रैजुएशन दे मार्कशीट्स जरूर लैके आओ, अपने कोई एक्सपीरियंस हैगा, तुसीं कोई जॉब की है तो उहदा एक्सपीरियंस लैटर
ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ, ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ, SOP ਔਰ ਲਿਸਟ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਦੇ ਪੁੱਟਅਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਪਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟਸ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ 90413 90412 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁਣ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਬੇਸਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਜ ਕਰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਲੋਟ ਆਫ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਿਲੋਗੇ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੇਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਸਰ। ਧੰਨਵਾਦ।